हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक पाउडर फिलिंग मशीन के रिगार्डिंग। ये मशीन जो है वेट बेस्ड पाउडर फिलिंग मशीन है। इससे आप कोई भी मसाले या पाउडर, जैसे कि मैदा हो गया, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर या एनी केमिकल पाउडर, कॉस्मेटिक पाउडर, कोई भी फाइन पाउडर आप फिल कर सकते हैं। ये मशीन जो है वेट बेस्ड काम करती है। यहाँ पर इसका वेइंग स्केल दिया गया है, लोड स्केल है, और मशीन का जो प्रिंसिपल है वो कोर्स फाइन सुपर फाइन का प्रिंसिपल है। मतलब अगर आपने 500 ग्राम सेट किया है तो 450 ग्राम बहुत ही फुल स्पीड में भरेगा कोर्स, जिसको हम बोलते हैं, और जो पीछे का लास्ट का 10-20 ग्राम है वो सुपर फाइन से भरेगा टू गेट मैक्सिमम एक्यूरेसी। तो इसकी वजह से ये मशीन बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी देती है। मतलब फाइन पाउडर के लिए आपको मैक्सिमम 1 ग्राम या 2 ग्राम का मैक्सिमम एरर आएगा इसमें। इवन फॉर द आपका जो पाउडर बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक है, जिसमें बहुत स्टिकीनेस है, उस पाउडर के लिए भी और फ्री फ्लोइंग पाउडर के लिए भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती है। तो पहले मैं आपको एक दो ऑपरेशन ऑपरेट करके बताता हूँ, फिर मैं डिटेल में इसके फीचर के बारे में बात करूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाउडर फिलिंग मशीन के अलावा पाउडर को प्रोसेस करने के लिए जो बाकी और भी मशीनें बनती है वो भी हम सप्लाई करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। जो आपके रॉ मटेरियल से पाउडर बनाने वाली मशीन होती है, मल्टी मिल जिसको कहा जाता है, ग्राइंड करके पाउडर बनाता है, वो मशीन भी मिल जाएगी। और उसके बाद जो आपका पाउडर को छानने की मशीन होती है, वाइब्रो शिफ्टर जिसको बोलते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपकी पाउडर ब्लेंडिंग, मतलब अगर आपको 2-3 तरह के पाउडर को मिक्स करना है तो उसको हम रिबन ब्लेंडर बोलते हैं, उसका भी लिंक, और ये सारी मशीनों के लिंक और फोटोज मैं आपको डाल दूँगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको नॉर्मल कंटेनर के ऊपर जो भी मशीनें लगती है, ऊपर कॉइल लगानी है या कंटेनर के ऊपर लेबल लगाना है, या इस मशीन की ऑटोमेटिक वर्जन चाहिए कन्वेयर के साथ, तो वो भी मिल जाएगी। तो कोई भी आपका पैकेजिंग का रिक्वायरमेंट हो, या आपको पाउच, जो ये पाउडर है पाउच में ऑटोमेटिक भरना है, मतलब आपके पास रोल फॉर्म में फिल्म है उसका पाउच बन के उसमें भर के वजन करके भर के पैक करके निकालना है, तो जिसको हम फॉर्म फिल सील पाउच पैकिंग मशीन बोलते हैं, वो भी मशीन हमारे पास मिल जाएगी। ये सारी मशीनों के लिए आपकी कोई भी इंक्वायरी है या कोई भी आपको जानकारी चाहिए कि किस तरह की मशीन आपके लिए सूटेबल होगी, आपके प्रोडक्शन के लिए सूटेबल होगी, तो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट करें। अभी हमने 300 ग्राम और ये पाउच की सेटिंग कर रखी है, तो आपको मैं दोनों दिखाऊंगा, पाउच में भी भर सकते हैं और कंटेनर में भी हम भर सकते हैं। और पाउच को भरने के बाद हम जो हमारी बैंड सीलर मशीन है उससे हम सील भी कर सकते हैं। बैंड सीलर मशीन के लिए हमने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, पहले आपको दिखाया हुआ है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मशीन के साथ में एक ऑपरेट करने के लिए एक फुट स्विच आता है जो आपके लेग्स में रहता है, इसको खाली एक बार प्रेस करने से मशीन एक बार रन करेगी और फिर स्टॉप हो जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको नीचे रख देता हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने अभी वेट में क्या सेट किया हुआ है। तो हमने अभी 300 ग्राम की सेटिंग की हुई है, तो आप देख सकते हैं 270 ग्राम हमने कोर्स में डाला है, 290 ग्राम हमने फाइन में डाला है, और 300 ग्राम हमारा टारगेट वेट है। मतलब 270 ग्राम तक ये जो है वो कोर्स स्पीड से चलेगा मशीन, उसके बाद 290 ग्राम, मतलब ये जो 20 ग्राम का डिफरेंस है वो फाइन की स्पीड से भरेगा, और जो लास्ट में 10 ग्राम का डिफरेंस है वो सुपर फाइन की स्पीड से भरेगा। मैं वापस होम पे चला जाता हूँ। यहाँ पे हमने तीनों स्पीड सेट कर रखी है, तो जो फास्ट स्पीड है वो कोर्स भरेगी, जो मीडियम स्पीड है वो आपका फाइन भरेगा, और जो एकदम स्लो स्पीड करके रखी है वो सुपर फाइन भरेगी। हमने ये स्लो स्पीड इसके लिए रखी कि जो एरर आने का चांस होता है वो एकदम लास्ट मोमेंट की जो फीलिंग होती है उसी से होता है, तो वो लास्ट मोमेंट की फीलिंग हमने एकदम स्लो करके रखी है ताकि एरर का चांस ना के बराबर हो। तो एक साइकिल आपको रन करके दिखाते हैं। मशीन ऑलरेडी ऑन है, हमारी फीलिंग की मोटर ऑन है, हम इसको रन प्रेस कर देते हैं। अब मशीन भरने के लिए तैयार है, अब हम फुट स्विच प्रेस कर रहे हैं और ये फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। मशीन में डिफरेंट साइज ऑफ स्क्रू और फनल दिया जा सकता है टू अचीव डिफरेंट वॉल्यूम एंड स्पीड। अभी हमने 300-400 ग्राम के हिसाब से फनल और स्क्रू का साइज दिया है। अगर आपको 1 किलो बनना है, 2 किलो बनना है, तो हम इसको बड़ा भी दे सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारा टारगेट वेट था 300 ग्राम, हमको अचीव हुआ है 301 ग्राम। अगर ये 1 ग्राम को भी आपको फाइन ट्यून करना है तो भी कर सकते हो, हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले आपको एक और फिल करके दिखा देता हूँ मैं। ये हम स्टैंड अप पाउच यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल पाउच भी आप इस तरह से अटका के फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक पाउच फिल करने के लिए 300 ग्राम का मुझे हार्डली 4 से 5 सेकंड लग रहा है। अगर मैं स्क्रू और फनल साइज को बड़ा करता हूँ तो ये टाइम और भी कम हो सकता है, मतलब 1 मिनट में आप आराम से 10 से 12 पैकेट निकाल सकते हैं।
फिर से हमको मिला है 301 ग्राम। सपोज हमको इसको भी फाइन ट्यून करना है तो हम वेट के कॉलम में नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, यहाँ पे इन फ्लाइट डिले है। इन फ्लाइट डिले का मतलब है जो 1 ग्राम हमको ज़्यादा मिल रहा है वो शायद जब ये वेइंग स्केल ने 300 ग्राम सेंस किया और मशीन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब भी हवे में कुछ तो प्रोडक्ट था जो अभी भी गिर रहा है जिसका वेट मशीन ने सेंस नहीं किया है, तो हम ये समझ रहे कि वो प्रोडक्ट 1 ग्राम था जिसने हमको 1 ग्राम का एरर दिया। तो हम इन फ्लाइट डिले में 1 ग्राम डाल रहे हैं कि हमको वो 1 ग्राम नहीं चाहिए। तो मशीन जो है 1 ग्राम भरने के लिए जो टाइम लग रहा है उतना टाइम पहले फिलिंग बंद कर देगी ताकि हमको वो 1 ग्राम एक्स्ट्रा ना मिले। तो अब ये पाउच हम फिर से करके देखते हैं हमने 1 ग्राम इन फ्लाइट में डालने के बाद क्या फर्क पड़ता है। तो आप देख रहे हैं अभी वो 1 ग्राम का जो एरर था वो भी चला गया, अभी एग्जैक्ट 300 ग्राम मिला है। तो अगर हमको वेट ज़्यादा मिल रहा है तो जितना वेट ज़्यादा मिल रहा है उसको हम इन फ्लाइट डिले में डाल देंगे, मतलब जो वेट ज़्यादा मिल रहा है वो इसके लिए ज़्यादा मिल रहा है, हमारा सेंसर तो सही काम कर रहा है, लोड सेल सही काम कर रहा है, लेकिन जो वेट ज़्यादा मिल रहा है इसके लिए कि वो जो हवा में माल अभी भी गिर रहा है उसका कैलकुलेशन हम नहीं ले रहे। तो इन फ्लाइट डिले का फंक्शन जो कर रहा है वो उस हवा के माल का कैलकुलेशन भी लेके हमको एग्जैक्ट एक्यूरेसी देता है। तो ये तो हो गया आपके पाउच की फिलिंग, इसको हम साइड में कर देते हैं। अब मैं आपको मशीन के फंक्शन के बारे में दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या फंक्शन हमने दिए हैं। तो ये मशीन में एक HMI दिया हुआ है, HMI मतलब ह्यूमन मशीन इंटरफेस, जिसको हम टच स्क्रीन भी बोलते हैं। तो ये एक PLC कंट्रोल्ड मशीन है, इसकी प्रोग्रामिंग की गई है। इसमें क्या क्या फंक्शन हम दिए गए, इसमें पहले तो आपको देखा है यहाँ पे मैनुअल फंक्शन दिया है। मैनुअल मतलब जब आप मैनुअल मोड में जाते हैं तो इस तरह का आपकी स्क्रीन सामने आ जाएगी, इसमें हर एक फंक्शन मैनुअली आप ऑपरेट कर सकते हैं टू चेक मशीन सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। सपोज़ मैं आपको कोर्स वन है, फाइन वन है, सुपर फाइन, मतलब अगर मुझे कोर्स मोड में मशीन को देखना है कि मेरे लिए स्पीड सही है कि नहीं, तो मैं जस्ट इसको प्रेस करके दबा के रखूँगा तो मशीन कोर्स की स्पीड में फिलिंग ऑन करेगी इस तरह, और जैसे ही छोड़ दूंगा वो रुक जाएगी। वैसे ही मैं फाइन को भी चेक कर सकता हूँ, सुपर फाइन को भी चेक कर सकता हूँ, ये सुपर फाइन की स्पीड है। और क्लीन मोड, अगर मुझे मशीन का हॉपर खाली करना है काम होने के बाद तो मुझे कंटिन्यूसली मटेरियल को बाहर फेंकना है, तो मुझे जो भी मेरा कंटेनर है वो लगा के मुझे क्लीन का बटन प्रेस कर देना है, मैं जब तक बंद नहीं करूँगा मशीन ऑपरेट होती रहेगी। जब मेरा पूरा हॉपर खाली हो जाता है मैं वापस इसको प्रेस कर दूंगा तो ये बंद कर देगा। तो ये सारे फंक्शन मैनुअल दिए हुए हैं। और यहाँ पे IO इंडिकेटर, मतलब आपके इनपुट और आउटपुट इंडिकेटर दिए हुए हैं। यहाँ पे आउटपुट है, काफ़ी सारे इनपुट है, तो ये ट्रबल शूटिंग के काम आते हैं कि हम अभी देख रहे हैं कि दो फंक्शन ऑन है, ग्रीन लाइट मतलब फंक्शन ऑन है, रेड लाइट मतलब वो फंक्शन ऑफ है। तो इससे हमको ये समझते हैं कि कौन सा फंक्शन ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब आपकी मशीन में कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट आइडेंटिफाई करने के लिए इनपुट और आउटपुट जो फंक्शन की स्टेटस है वो देख के आप समझ सकते हैं, प्रोग्रामर जो है वो आपको सही गाइड दे सकता है। तो इनपुट आउटपुट यहाँ से भी एक्सेस हो सकता है। इसके बाद हमारा जो मेन मेन्यू है, मेन मेन्यू में काफ़ी सारे फीचर है। एक तो है वेट की सेटिंग जो हमने ऑलरेडी देख ली है, उसके आगे इनफ्लाइट हमने ऑलरेडी देख लिया है, समझ लिया है। नेक्स्ट जो है वो टाइम का सेटिंग है। तो ये साइकिल स्टार्ट डिले, साइकिल स्टार्ट डिले का मतलब होता है कि मैंने फुट स्विच जब प्रेस किया तो कितने टाइम के बाद मेरा फिलिंग स्टार्ट होना चाहिए। तो मैंने इसको 0 रखा है, मुझे कोई डिले नहीं चाहिए। उसके बाद आपका डिस्प्ले डिले, मतलब जब इसके ऊपर मटेरियल गिर रहा है तो वो कितने टाइम के बाद उसका वेट स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहिए, क्योंकि वेट को सेटल होने टाइम लगता है। तो हमने एक मिनिमम डिले वहाँ पे डाल दिया है। ड्रेन टाइम अभी फिलहाल ये मशीन में कोई काम नहीं करता है, ये दूसरे मॉडल के लिए है। और वेट वेरीफाई टाइम, अभी आपने देखा कि 301 ग्राम मिला था तो हमने उसको 300 ग्राम करने के लिए इन फ्लाइट डिले में 1 ग्राम डाल दिया, मतलब हमको वेट ज़्यादा मिल रहा था तो कम करने के लिए हमने इन फ्लाइट डिले से एडजस्ट कर दिया। बट सपोज़ इन फ्लाइट डिले में आपने गलती से 4 ग्राम डाल दिया तो आपको 301 की जगह पे 297 ग्राम मिलेगा। तो मार्केट में गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपका पैकेट का वजन कम नहीं जाना चाहिए। आप ज़्यादा दोगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कम जाएगा तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आप पे कार्रवाई हो सकती है। तो अगर आपको वो अश्योर करना है कि मेरा वेट ज़्यादा जाएगा चलेगा लेकिन कम नहीं जाना चाहिए, तो एक और फंक्शन दिया है वेट वेरीफाई, मतलब इसमें मशीन की साइकिल कंप्लीट होने के टाइम के बाद मशीन चेक करती है कि जो हमने टारगेट वेट सेट किया है वो है या नहीं मिल रहा है। तो इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। पहले हम टारगेट वेट को इस तरह से सेट करते हैं कि हमको 300 ग्राम से कम मिले,
तो अभी ये 1 ग्राम है, 1 ग्राम की जगह मैं इसको 5 ग्राम कर देता हूँ ताकि हमको 300 ग्राम से कम का वेट मिले। और मैं अभी फ़िलहाल ये डब्बा यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको पहले टेयर कर देता हूँ। मैंने इसको रख दिया है और मैं 0 प्रेस कर रहा हूँ, ये टेयर हो गया। ये यहाँ से आप टेयर, जो भी कंटेनर या पाउच आप यूज़ कर रहे हैं, पहले आपको उसको टेयर करना होता है, उसके बाद आप रन प्रेस कीजिए। और मैंने सेटिंग चेंज कर दी है, अभी कितने ग्राम मिलती है मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे भी इंडिकेशन है, अभी ये फास्ट स्पीड पे रन हो रहा है, ये ग्रीन बार आप देख सकते हैं, अभी इस पे रन हुआ, अभी इस पे रन हुआ, और उसके बाद, और यहाँ पे भी दिखाता है कि अभी स्टेट कौन से मोड में अभी मशीन रन हो रही है। अभी आपको 296 ग्राम मिला, जबकि हमारा टारगेट वेट 300 ग्राम था। तो एक ऑप्शन है, आप इनफ्लाइट डिले से एडजस्ट कर सकते हैं, बट इनफ्लाइट डिले से एडजस्ट करने के बाद भी डिपेंडिंग ऑन द पाउडर का प्रॉपर्टी, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ पाउडर ऐसे कि या तो आधा ग्राम कम दे रहा है, आधा ग्राम ज़्यादा दे रहा है, बट आपको ऐसा चाहिए कि कम देना ही नहीं चाहिए, तब पिक्चर में आता है आपका वेट वेरीफाई फंक्शन। तो अब मुझे 4 ग्राम कम मिल रहा है, तो 4 ग्राम को फिर से अचीव करने के लिए मैं मशीन में एक टाइम डाल रहा हूँ कि ओके, एक ये साइकिल आपकी एंड होने के बाद मशीन चेक करेगी कि मुझे टारगेट वेट मिला या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो एक थोड़े टाइम के लिए मशीन वापस से रन करो, हम ये कमांड दे रहे। तो वो कितने टाइम के लिए हम रन करेंगे, सपोज हम 1 सेकंड के लिए उसको और रन कर रहे हैं मशीन को साइकिल कंप्लीट होने के बाद। अब इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है वो आप एग्जैक्टली यहाँ पे देखेंगे। दूसरा डब्बा देना, हमने फिलिंग स्टार्ट कर ली, ये कोर्स में फिलिंग हो रही है। अब आपकी स्लो में फिलिंग हुई, अभी मशीन स्टॉप हो गई, लेकिन उसने देखा कि वेट नहीं मिला, 297 ग्राम ही मिला, और उसने पीछे से थोड़ा सा और ड्रॉप किया। अगर आपको और अच्छे से इसको समझना है तो हम इसको थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देते हैं, फिर आप देखिए क्या हो रहा है। अब 3 सेकंड के लिए वापस रन करेगा साइकिल कम्प्लीट होने के बाद, मशीन 3 सेकंड और रन करेगी। तो जब हम वेट वेरीफाई फंक्शन यूज़ करते हैं तो हम किसी भी केस में हमारा वजन जो भरा जाएगा वो टारगेट वेट से कम नहीं होगा, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। तो आप ये अश्योर कर सकते हैं कि मार्केट में जो भी आपकी पैकिंग जा रही है उसमें वजन कभी भी कम नहीं जाएगा, ज़्यादा जाएगा लेकिन कम नहीं जाएगा। अब मैंने 3 सेकंड कर दिया तो आपको डिफरेंस क्लियरली विजिबल होगा। ये अभी कोर्स पे फिलिंग हो रही है, अभी आपका स्लो, ये साइकिल कंप्लीट हो गई 295 पे, लेकिन मशीन फिर से स्टार्ट होगी, ये वापस से स्टार्ट हुई 3 सेकंड्स के लिए, और उसने वापस को उसको वेट को मैच करवाया। तो इस तरह से ये वेट वेरीफाई का फंक्शन काम करता है। उसके अलावा मशीन में और भी कई सारे फंक्शन है, जैसे वेट कैलिब्रेशन है, कभी कभार ये जो काटा है इसका कैलिब्रेशन अगर बिगड़ जाता है, हम फैक्ट्री सेट करके बेचते, लेकिन अगर इसका काटे का कैलिब्रेशन बिगड़ जाता है तो वो कैलिब्रेशन भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको ऑन रिक्वेस्ट शेयर की जा सकती है। और यहाँ पे प्रोडक्शन काउंट है, प्रोडक्शन काउंट में मशीन ये दिखाती है कि आपने आप अभी तक कितनी बार फिलिंग की है, कितनी बार फुट स्विच प्रेस किया है, उस बेसिस पे ये काउंट होता है। और जो नीचे जो वैल्यू है वो ये है कि आपने कितना ग्राम, कितना मटेरियल अभी तक फिल कर दिया है इस मशीन से। तो इन दोनों को आप रीसेट भी कर सकते हैं, ये डेली के प्रोडक्शन करने में बहुत हेल्पफुल है। सपोज आपको रोज का 200 किलो पैक करना है, लेकिन पैकिंग की साइज अलग है, कोई 100 ग्राम की पैकिंग है, कोई 500 ग्राम की पैकिंग है, तो आपको गिनते या कैलकुलेशन करते नहीं बैठना है। यहाँ पे 200 किलो दिखा देगा, मतलब आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। उसमें आप फिर नंबर ऑफ कंटेनर आप भले 100 ग्राम के करो या 500 ग्राम के करो, इन दोनों को आप रीसेट करना है। तो ये रेड बटन जो है इसको प्रेस करके सिंपली रीसेट किया जा सकता है, इसको जीरो किया जा सकता है इस तरह से। हम फिर होम पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक लास्ट फंक्शन है रेसिपी। तो अभी हम रेसिपी नंबर 1 पे काम कर रहे हैं, होम पे भी दिखाता है रेसिपी नंबर 1। तो रेसिपी नंबर 1 क्या है, रेसिपी नंबर 1 में हम सेट मोटर स्पीड में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल रेसिपी नंबर है, और ऐसे 10 रेसिपीज़ हम इस मशीन में बना सकते हैं। टोटल 10 रेसिपीज सेव की जा सकती है, मतलब बार बार आपको स्पीड लिख के रखना है, सेव अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो जो भी रेसिपी पे आप काम करना चाहते हैं यहाँ पे उसका नंबर सिलेक्ट कीजिए, और उसको सेट प्रेस करना मत भूलिए, तो वो रेसिपी लोड हो जाएगी, और उस रेसिपी में जो भी आपको वेट की सेटिंग डालनी है वो यहीं पर आके डालनी होगी। जैसे हम अगर हम दूसरी कोई रेसिपी लोड करते हैं, तो अभी मैं 1 की जगह मैं इसको 2 पे सेट करता हूँ, मैंने रेसिपी नंबर 2 इंटर कर दी और मैं सेट प्रेस कर रहा हूँ, तो ये 2 नंबर की रेसिपी लोड हो गई। आप देख सकते हैं सब
ये सारी की सारी स्पीड भी चेंज हो गई, जो पहले 50, 15 और 5 थी वो अभी चेंज हो गई, और इसमें वेट की सेटिंग भी चेंज हो गई क्योंकि अभी तक हमने इस रेसिपी में कोई भी वेट नहीं फिलअप किया है। तो इस तरह से आप रेसिपी लोड कर सकते हो। तो आपके डिफरेंट जो प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का आप सेटिंग आप करके रख सकते हैं रेसिपी नंबर के ऊपर, तो आपको नेक्स्ट टाइम वापस सेटिंग करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस मशीन का मेंटेनेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लीनिंग बहुत ही ईजी है। मशीन को आप क्लीन मोड पे डाल के पूरा प्रोडक्ट आप ड्रेन कर लीजिए, उसके बाद मशीन को बंद कर लीजिए। मशीन को बंद करके बाकी जो इसमें कुछ अगर प्रोडक्ट चिपका है या कुछ है तो उसको कपड़े से साफ कर सकते हैं या ब्लोअर से ब्लो आउट कर सकते हैं। चेंज पार्ट को चेंज करने के लिए यहाँ पे फनल के नीचे 3 स्क्रू दिए हुए हैं। ये तीनों स्क्रू को आप निकाल के, फनल और स्क्रू निकाल के आप दूसरा लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी है, हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगता है। और डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेनर्स, और इसके लिए आप जो है ये प्लेटफॉर्म की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 बोल्ट दिए हुए हैं इसके पिलर पे, ये बोल्ट आप ओपन करके आप इसको अप और डाउन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑफ द आपका कंटेनर का साइज। और जैसे आपने देख रहे, स्टार्ट करने पे आपको एक स्क्रीन आती है, लोगो डिस्प्ले होता है, आपको तब तक वेट करना है। ये बटन जो है ये फिलिंग की मोटर को ऑन या ऑफ करता है। स्टरर हमारा बाय डिफॉल्ट चालू हो जाता है ऑन करने पे, बट ये जो है फिलिंग की मोटर तभी ऑन होगी जब आप यहाँ से प्रेस करेंगे। उसके ऑन होने के बाद भी आप जब रन प्रेस करेंगे तो ही फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब डबल सेफ्टी दिया हुआ है कि गलती से किसी से कुछ दब भी जाए तो वो ऑन नहीं होगा। अभी मैंने रन प्रेस नहीं किया, बट अगर मैं कुछ दबा रहा हूँ तो कुछ नहीं होगा। जब तक मैं रन प्रेस नहीं करूँगा स्टार्ट नहीं होगा। कमांड मिल चुका है लेकिन मशीन स्टार्ट नहीं होगी। अब हम एक बार ग्लास के बोतल पे फिलिंग करके देख लेते। तो मैंने पहले इसको रख दिया, थोड़ा सा इसका हाइट ज़्यादा है इसके लिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ सकता है, लेकिन फिर भी हम फिलिंग करके देख लेते हैं। हम वेट की सेटिंग कर लेते हैं, पहले मुझे रेसिपी चेंज करनी होगी। ये मैंने रेसिपी चेंज कर दी, ग्रामेज में 150 ग्राम ही फिल करता हूँ। तो मैं जो भी ग्राम आपका टारगेट होगा उससे एक 10 ग्राम कम आप फाइन का ग्रामेज रखिए, और उससे 20 ग्राम कम जनरली आप आपका फोर्स का ग्रामेज रखिए। ये नॉर्मल डेंसिटी पाउडर के लिए, अगर आपका पाउडर हैवी है तो ये डिफरेंस आप घटा या बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंगली। और स्पीड जैसे कि मैंने बताया, फोर्स के लिए एकदम हाई स्पीड रखिए, जो मीडियम फाइन भरना है उसके लिए जो स्पीड है वो आप थोड़ी फास्ट रख सकते हैं। अभी 15 है, मैं इसको 20 भी कर सकता हूँ, लेकिन जो सुपर फाइन की स्पीड है वो आप 5 या 10 के अंदर ही रखिए। अभी इसको हम टेयर कर देते हैं जार को। टेयर करने के बाद अभी मैंने ऑलरेडी फुट स्विच दबाया, तो रन दबाते ही मशीन स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी सेटिंग हो चुकी है, आप देख रहे हैं आपको 145 ग्राम मिला है। और उसके बाद मशीन ने वेट वेरीफाई करके फिर से रन किया और उसको 150 का टारगेट अचीव करवाया। तो हम यहाँ से आपका वेट वेरीफाई फंक्शन फिर से बंद कर देते हैं, और जो वेट के सेटिंग में ये था ये भी एक बार जीरो कर देते हैं, इनक्राइड भी। तो एक्चुअल हमको दोनों जीरो करने पे क्या रिजल्ट मिल रहा है वो हम देख लेते हैं। हमने ये स्पीड भी गलती से थोड़ा कम कर दिया, इसको फास्ट कर देते हैं, इसको हम फिर से 50 कर देते हैं। आप इसको थोड़ा ऊपर ले सकते हैं ताकि आपको इतना डिफरेंस या पाउडर उड़ने की दिक्कत ना आए। और ये हम नई साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हुआ है उसके लिए हुआ कि हमारी स्पीड ज़्यादा थी और हमने ये गैप बहुत ज़्यादा रखा था। तो आइदर आप स्पीड को कम रखिए अगर आपको ये गैप कम नहीं रखना है तो, या फिर आप जो है इसको भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी जो पाउडर गिरा स्टील, हमको जो वेट मिल रहा है वो एग्जैक्ट मिल रहा है 150 ग्राम का। तो मशीन बहुत ही एक्यूरेटली काम करती है। इसमें अगर कुछ आपको मेंटेनेंस है तो एक छोटा सा लोड सेल है जो अगर ख़राब हो गया तो आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस मशीन में और कोई मेंटेनेंस नहीं है। एसी मोटर 3 फेज़ की दी हुई है, आप 24 घंटा मशीन चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अगर आपका पाउडर पे आपको डाउट है कि ये पाउडर मेरी मशीन में भरेगा या नहीं भरेगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप आपके पाउडर का सैंपल भेज सकते हैं, हम उस पर ट्रायल करके आपको एग्जैक्ट रिजल्ट बता देंगे। इस मशीन के बारे में और जानने के लिए हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है, आप उस नंबर पे आपकी इंक्वायरी भेज सकते हैं। प्लीज़ जस्ट मशीन का नाम लिख के मत भेजिए, आपकी इंक्वायरी डिटेल में भेजिए कि आपको कितने ग्राम की फिलिंग करनी है, क्या प्रोडक्ट भरना है और किस टाइप के कंटेनर में भरना है। अगर इसके बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए।